हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है ऑनलाइन बॉय। दोस्तों हम आज आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर आपका जो फ़ोन है वो लॉस्ट हो गया है, यानी कि खो गया है, या आपका फ़ोन को चोरी कर लिया है, या आप कहीं अपना फ़ोन को भूल गए हैं और आप उसको खोज नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको कैसे आसानी के साथ खोज सकते हैं। सिर्फ आपको उसका ईमेल और पासवर्ड याद होना चाहिए। बस अगर आपको उसका ईमेल और पासवर्ड याद है तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप उसका जो है आवाज़ निकाल सकते हैं, यानी कि रिंगटोन जो है उसको बजा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड है दोस्तों, आप उसको लॉक कर सकते हैं, जो मतलब स्क्रीन लॉक होता है वो कर सकते हैं। और जो दोस्तों थर्ड है, आप उसको रियल टाइम लोकेशन में देख सकते हैं वो कहाँ पे है। यानी कि अगर ये आपको उसका ईमेल और पासवर्ड पता है तो ये तीनों आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। यानी कि अगर मतलब आपके पास दो टो फोन है मान लीजिए और एक नंबर जो है वो खो गया है, तो आप दूसरे की मदद से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही फोन है, उसका ईमेल और पासवर्ड अगर आपको पता है, तो आप अपने किसी दोस्त रिलेटिव या किसी का फ़ोन से आप उसको जो है आसानी के साथ ट्रेस कर सकते हैं। आपका लोकेशन देखने को मिल जाएगा, प्लस आप उसका जो रिंगटोन है वो बजा सकते हैं और आप उसका स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ़ोन चोरी कर लिया तो आप इसको स्क्रीन लॉक करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे काम की चीज़ है दोस्तों रिंगटोन जो रिंगटोन है मतलब आवाज़ निकालना, और जो सेकंड है दोस्तों वो है आपका रियल टाइम लोकेशन। अगर वो मतलब आपका फ़ोन जो है उसको चोरी करके कहीं पर ले जा रहा है, तो आप उसका रियल टाइम लोकेशन मतलब कहाँ पर है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसके आसपास के मतलब एरिया में है, आप उसको चाहते हैं कि मतलब उसको कहाँ पे है उसको जल्दी से खोजना है, तो आप यहाँ से अपना जो म्यूज़िक है उसको ऑन कर सकते हैं, तो आपका वो फ़ोन में म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप उसको आसानी के साथ वहाँ पे खोज पाएंगे। तो दोस्तों मैं इस यही वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब इसी टॉपिक पे ये मेरा पूरा वीडियो है। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अमेजिंग वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। देखिए हम आ गए हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं साइड में जो है मेरा वो सैमसंग गैलेक्सी J2 है। मैं इसको थोड़ा सा मतलब आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये सैमसंग गैलेक्सी J2 ही है और आप इसको देख सकते हैं। अब हम बताएंगे कि हम मान लीजिए कि ये जो मेरा फ़ोन है वो लॉस्ट हो चुका है, तो हम इसको इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं अपने फ़ोन से, जिससे कि मतलब जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसका जो लाइट है उसको मैं बंद कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरा J2 है, तो इसको रहने देते हैं अभी, मतलब इसको कुछ नहीं करते। ये मतलब कोई ले लिया है इसको, मतलब इस तरह ही रख दिया है, मतलब कोई चोरी कर लिया है ये वाला फ़ोन। इसको हमको हाथ नहीं लगाना, जैसे हाथ लगाते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा हाथ जो है या अंगुली जो है वो डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, तो इसमें हाथ नहीं लगाना है। तो अब हम जानेंगे कि इससे क्या करना है। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपना मोबाइल का जो प्ले स्टोर है इसमें, और दोस्तों प्ले स्टोर में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है फाइंड माई फोन या फाइंड माई डिवाइस, डाटा ऑन कर लेना आपको। उसके बाद लेटर आए और आप देख सकते हैं गूगल फाइंड माई डिवाइस करके है ये दोस्तों। सिंपली इसको आपको इंस्टॉल करना है, 2.2 MB का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.2 MB का है, रेटिंग 4.04 है, यानी कि बहुत अच्छा, और 100 मिलियन से ज़्यादा ये डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं 99 तक ये मेरा जो है डाउनलोड वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको पूरा डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फाइंड माई डिवाइस जो करके है ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली दोस्तों यहां से मतलब इसको रिमूव कर लेना है, और यहां पे देख सकते हैं फाइंड माई डिवाइस का जो ऐप्स है वो यहां पे आ गया। तो आप देख सकते हैं ये जो फ़ोन है इसको मैंने यहां पे रख दिया हूं, और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं मेरा फाइंड माई डिवाइस करके जो ऐप्स है दोस्तों यहां पे है। तो सिंपली इसको मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि आपके फ़ोन में मतलब जो फ़ोन से आप देख सर्च कर रहे हैं उस फ़ोन में जितना भी ईमेल है सब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हमको इस फ़ोन का मतलब बारे में पता करना है तो सिंपली इसका जो ईमेल और पासवर्ड है वो देना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर सिंग इन एस गेस्ट है, तो सिंपली इसमें क्लिक कर लेना है, और जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो इसका जो मतलब ईमेल है इस फ़ोन का जो चोरी हुआ फ़ोन उसका ईमेल आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि ये मेरा ईमेल है, मैंने इसको तो दोस्तों जो फ़ोन आपका लॉस्ट हुआ यानी कि चोरी हुआ है उसका ईमेल आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है दोस्तों, और जैसे आप उसको नेक्स्ट कीजिएगा तो फिर यहाँ से आपको पासवर्ड देने को मिलेगा। तो सिंपली इसमें आपका जो पासवर्ड है मतलब जो इसमें पासवर्ड था जो चोरी हुआ फ़ोन उसका जीमेल का पासवर्ड आपको देना होगा। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड जो दे रहा हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों देने के बाद सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है दोस्तों, और जैसे ही आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा
उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो फोन है उसको ये ट्रैक करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो मेरा है, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये सैमसंग गैलेक्सी J2 है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं ये सैमसंग गैलेक्सी का J2 है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फ़ोन है इसको ट्रेस कर रहा है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा बैटरी भी दिखा रहा है, 82% बैटरी है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी 82 है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा पॉज जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, और फोकस लेना है, हाँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 82% दिखा रहा है बैटरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ रेडमी का मैंने हॉटस्पॉट इसको दिया था इसका जीमेल पता करने के लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप इसका जो मतलब हॉटस्पॉट है आप भी देख सकते हैं यहाँ पे रेडमी का है। अगर इसमें अगर यहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं लेता है, अगर ये कोई सिम लगाता है एयरटेल जियो, तो यहाँ पे एयरटेल जियो जो है वो आ जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे हम हॉटस्पॉट दे के रखे तो आप देख सकते हैं यहाँ भी रेडमी है और यहाँ भी रेडमी है ही है। अगर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं नीचे, और आपको दिखाता हूँ कि इसका लोकेशन, उसके बाद हम दिखाएंगे इसमें अगर ये मतलब आपका आसपास है 10 मीटर के एरिया में, और हमको जो है इसका मतलब साउंड बजाना है तो कैसे बजा सकते हैं। सिंपल देख सकते हैं प्ले साउंड है, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा आप देख सकते हैं नीचे जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो चुका है, आप सुन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो तो प्ले हो चुका है, उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों वो भी स्टॉप हो चुका है। उसके बाद सिक्योर डिवाइस करके जो ये है दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे इसको क्लिक कीजिएगा, उसका सबसे पहले आपको यहाँ पे मतलब आप मैसेज दे सकते हैं कि मतलब आपका जो फ़ोन है वो चोरी किया है, तो आपको सिंपली मतलब कुछ भी लिखना है आपको, मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दीजिए, मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दीजिए ऐसा। उसके बाद अगर ये आपको यहाँ पे अपना नंबर लिखना है दोस्तों, आप यहाँ पे अपना नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा नंबर है दोस्तों, इसको मैंने फिल कर लिया यानी कि इसमें लिख लिया नंबर। उसका सिंपली यहाँ पे जो है सिक्योर डिवाइस पे जाना है, और जैसे ही आप सिक्योर कीजिएगा आप पे सिक्योर हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लिखे थे मेरा मोबाइल मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दीजिए, और आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दीजिए, प्लस ये जो आया है मतलब कॉल का निशान, अगर वो इसमें क्लिक करेगा दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपका वाला मैं कॉल लग जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा सिम कार्ड नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं नो सिम कार्ड, इसलिए इसमें मेरा कॉल नहीं लगा। अगर ये होता मतलब यहाँ पे जो है दोस्तों, अगर यहाँ पे सिम रहता तो वहाँ पे हम लोग वाला मैं कॉल लग जाता। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे है दोस्तों, ये यहीं पे ये फ़ोन है रेडमी का, और आप देख सकते हैं अभी 81% चार्ज हो गया, आप यहाँ भी देख सकते हैं, प्लस यहाँ भी देख सकते हैं, मतलब एक्यूरेट दिखाता है सब कुछ। उसके बाद आप तो दो ठो आपको बता दिया। उसके बाद थर्ड नंबर जो है दोस्तों, वो इरेज कर सकते हैं, इरेज डिवाइस, मतलब इसमें अगर आपका कोई पर्सनल चैट है, फोटोज़ वीडियोज़ है जिसको आप लीक नहीं करना चाहते हैं, मतलब चोरी हो गया तो आप क्या कर सकते हैं ये खोजने के अलावा, अगर आप खोज पाते तो अच्छा है, अगर नहीं खोज पाते तो आप यहाँ से उसका जो है सबसे पहले ईमेल देना है, ईमेल देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली पासवर्ड देना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे कीजिएगा उसके बाद आपसे मांगेगा परमिशन, अगर आप ओके कर देते हैं दोस्तों तो आपका जो इस फोन में जितना भी आपका फोटोज़ मतलब जो भी मतलब पर्सनल सामान था वो सब डिलीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों इतना तक आप समझ गए होंगे, और आप दिखाऊंगा ये जो फ़ोन है उसका एक्यूरेट लोकेशन जो है दोस्तों वो दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है दोस्तों ये मेरा घर है, ये मतलब जो ये चौकुर दिख रहा है ये मेरा घर है, और मैं घर के ऊपर मैं हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब जहाँ फ़ोन है वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका फ़ोन है, ये एकदम एक्यूरेट जगह है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मतलब आपका आपने लॉक कर दिया और ऐसा कुछ हो गया, ये मेरा एक्यूरेट जगह है, और आप इसका एरिया में कहीं पर जाते हैं उसके बाद आप यहाँ से इसको आप इसका जो है साउंड ये चला सकते हैं, उसके बाद आप इसको सिक्योर कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर देके, उसके बाद आप यहां से सिक्योर कर सकते हैं, और ये कोई भी जैसे कि ये मतलब होम बटन दबा दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं वो पासवर्ड नहीं दे पाया, फिर से ऑफ किया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो है फिर से वही वाला जो है इंटरफेस फिर आ जाएगा कि मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दीजिए, मतलब आप कुछ भी यहाँ पर लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पर पिछली बार लिखे थे मेरा फ़ोन वापस कर दीजिए, चाहे आप लीजिएगा मेरे से आप पैसा ले लीजिए, कुछ भी आपको लिखना है, उसके बाद नीचे नंबर देना है, उसके बाद सिक्योर फ़ोन में करना है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है फ़ोन एक बार
मेरे से आप पैसा ले लीजिए, जो आप लिखिएगा यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये मतलब हो गया आपका जो वहाँ पे मतलब लिखेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। आई होप दोस्तों इतना तक सीख गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।